हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर एकेडमी फैजाबाद। कैसे हैं सभी लोग? आई होप के अच्छे होंगे। और आज का ये सेशन हमारा डे टाइम का सेशन है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो कैंडिडेट हैं वो शाम को बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि आज इंडिया में काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है ना, तो इसीलिए आज की जो क्लास है हमने डे टाइम में कर रखी है। आई होप के सभी लोग डे टाइम में प्रेजेंट हो जाएंगे। अनुराधा, शीनू, आसिफ, मानसपाल, पार्थ, राभ्या, रानी शर्मा, संदीप, शीनू, एलेक्स, कल्पना एंड ऑल आर, महेश कुमार, कामेश्वर, श्वेता, शर्मिष्ठा, खुशबू पांडे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये वही सेशन है जो मैं लास्ट डे आपको कंप्लीट करा रहा था, बट लेक ऑफ इंटरनेट कनेक्शन ये सेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर चल रहा है? जरा मुझे बताइएगा, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे वी विल कवर रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि आपके एक प्रिस्क्राइब राइटर हैं, और मोस्टली एग्जामिनेशन में यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जितने भी डिटेल क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वे सारे आज की क्लास में कवर कराए जाएंगे। ओके, चलिए लाइफ एंड वर्क्स, बायोग्राफी, सब कुछ। चलिए, क्लियर है सर सब कुछ? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, गुड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है आपके? ठीक है ना, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके एक विक्टोरियन पोएट हैं, ठीक है ना, विक्टोरियन इरा के पोएट हैं। एंड ही इज वेल नोन फॉर ड्रामाटिक मोनोलॉग। ड्रामाटिक मोनोलॉग के लिए इनको सबसे ज्यादा प्रमुख माना जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, ये जो पेज आपके सामने दिया गया है ये सिर्फ एक पेज नहीं है, इनके बारे में वे सारी इंफॉर्मेशन है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी राइटर का, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ डेथ होती है, रेस्टिंग प्लेस होता है, ऑक्यूपेशन होता है। सो वी विल स्टार्ट हियर। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न ऑन 7 May 1812। ओके, यानी कि 7 May 1812 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, मिंटू से कैम्बरवेल, लंदन, इंग्लैंड। नेक्स्ट वन, ही वॉज डेड एट द एज ऑफ 77। 70 साल की उम्र में इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? इटली में इनकी डेथ हुई थी, जहाँ पर ये अपने कुछ वर्क के लिए घूमने के लिए गए थे अपनी वाइफ के साथ में। ठीक है, तो एक्यूरेट डेट की बात कर लिया, देन ही वाज डेड ऑन 12 December 1889। अगर इनकी रेस्टिंग प्लेस की बात करें, रेस्टिंग प्लेस का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, जहां पर इनको बरी यानी कि दफनाया गया था। तो इनका जो चर्चयार्ड है वेस्टमिंस्टर एबे में है, एंड इट इज जस्ट एडजेसेंट टू लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। टेनिसन के जस्ट बगल में ही इनका जो ग्रेव स्टोन है वो बना हुआ है। ठीक है, ऑक्यूपेशन की बात करें, ही इज अ पोएट, अ राइटर, अ ड्रामाटिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज हिज फादर, एंड सारा एन ए वेडमैन वाज हिज मदर। याद रखेंगे, स्पाउसेस की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम है, सी वाज आल्सो अ कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, सो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। सी वाज मैरिड टू हिम इन 1846 एंड डेड इन 1861। याद रखिएगा इस चीज को। इनका ओनली वन, सिर्फ एक ही बेटा था जिसका पेन नेम ब्राउनिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज रॉबर्ट वेडमैन बैरेट। पेन नेम की बात करें, ही वाज नॉन एज ब्राउनिंग। नेक्स्ट वन बात करें कि ये कहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई थी, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो ही वाज अ विक्टोरियन पोइट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये तो फैक्ट रहे इनसे पर्सनल, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो। इसके बाद में हमें इनकी कौन से वर्क पढ़ने चाहिए जहां से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि किसी भी राइटर के वर्क तो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे वर्क्स को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ गिने चुने वर्क ही हमें पढ़ने पड़ते हैं जिससे हमारे एग्जाम में नंबर सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। ये क्या है? ये इनकी एक चिल्ड्रन पोएम है, यानी बच्चों के लिए लिखी हुई
पोएम है, काफी बड़ी पोएम है, मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन एक पोएटिक कलेक्शन है जिसमें लगभग आपकी 51 पोएम्स थी जो कि टू वॉल्यूम में पब्लिश की गई थी 1855 में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी चर्चा करने वाले हैं, तो इसको मैं अभी केवल ब्रीफ में समझा देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क है द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक ये क्या है, एक लॉन्ग ड्रामाटिक नरेटिव पोएम है, इसको हम एक वर्स नोवेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको ब्रीफ में समझ लीजिए, मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट है इनका ड्रामाटिक परसोने, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, ये एक पोएटिक कलेक्शन है, इसको पब्लिश किया गया था 1864 में। ठीक है ना, 1864 में इसको पब्लिश किया गया था। इसके बाद है ड्रामाटिक लिरिक्स। ड्रामाटिक लिरिक क्या है, ड्रामाटिक लिरिक भी आपका एक पोएटिक कलेक्शन है ये भी, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1842, इसको 1842 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ड्रामाटिक रोमांस। ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक्स, ड्रामाटिक रोमांस एंड लिरिक क्या है, ये भी एक कलेक्शन है इंग्लिश पोइम्स का, इसको 1845 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एसोलेंडो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा ये इनका लास्ट वॉल्यूम है लिरिक्स का, लास्ट वॉल्यूम ऑफ हिज लिरिक्स, याद रखेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। अब देखिए, आपने बहुत सारी पोइम्स पढ़ी हैं इनकी, तो इनमें से ड्रामाटिक परसोने में कुछ पोइम है, कुछ ड्रामाटिक लिरिक्स में है, कुछ ड्रामाटिक रोमांस और कुछ ड्रामाटिक लिरिक्स, इनमें से आपको पोइम देखने के लिए मिल जाती हैं, तो हम इन्हीं पर डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट हमको याद रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं जिससे कि एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ क्लियर है या नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, अभी केवल आप उनको शॉर्ट में समझ लीजिए, है ना, उनको जब डिटेल में कराएंगे तब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर वन है, पॉइंट करके आप इसको लिखते जाइए। किसी भी राइटर की बायोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो मुश्किल हो जाती हैं उनको आसान बनाने के लिए मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोइट, यू नो वेरी वेल, अ प्ले राइट हुज ड्रामाटिक मोनोलॉग पुट हिम हाई अमोंग द विक्टोरियन पोइट। अगर बात आ जाती है कि हु इज मोस्ट एंड हु इज द बेस्ट पोइट ऑफ ड्रामाटिक मोनोलॉग, एन आंसर गोज टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिशन से भी ज़्यादा पॉपुलर है ये ड्रामाटिक मोनोलॉग के लिए। ही वाज नोटेड फॉर आयरनी। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया दूसरे नंबर पे, ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक हैं। क्या है ये करेक्टरिस्टिक है, किसी भी राइटर के करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को याद रखना बहुत आवश्यक है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है पोइट्री के, इनकी पोइट्री में आपको आयरनी देखने के लिए मिलती है, करेक्टराइजेशन देखने के लिए मिलता है। करेक्टराइजेशन का मतलब है जैसे ड्रामाटिक मोनोलॉग में जो करेक्टर पीस बोले जाते हैं वही आपका करेक्टराइजेशन हो जाता है। डार्क ह्यूमर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड सोशल कमेंटेटरी देखने के लिए मिल जाएगी, हिस्टोरिकल सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड चैलेंजिंग वोकैबुलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सब सेंटेक्स मिल जाएगा। ये इनकी करेक्टरिस्टिक है पोइट्री की। ठीक है ना, ड्रामाटिक मोनोलॉग की, ड्रामाटिक लिरिक्स की, ईटीसी जो भी ये लिखते थे उन सभी की करेक्टरिस्टिक हैं। तो अगर करेक्टरिस्टिक की बात आ जाए तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख जाए उस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड नंबर का, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न ऑन वेलवर्थ। वेलवर्थ नाम का जो टाउन था पेरिस में, वहां पर ये पैदा हुए थे, कैम्बरलैंड सुर्रे, विच नाउ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बोरो ऑफ साउथ वार्क इन साउथ लंदन। आज की डेट में उसको इस नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है, ही वाज बैप्टाइज, ही वाज बैप्टाइज ऑन 4th June 1812। बैप्टाइजेशन की जो प्रथा होती है मोस्टली केसेज में आफ्टर 3 days ऑफ द बर्थ, यानी बर्थ के 3 दिन बाद होती थी, जैसे विलियम शेक्सपियर को 3 दिन बाद बैप्टाइजेशन किया गया था, बट ही इज समथिंग 6 days आफ्टर हिज बर्थ। सो एट लॉक्स फील्ड इंडिपेंडेंस चैपल, इंडिपेंडेंस चैपल यॉर्क स्ट्रीट में इनको बैप्टाइज किया गया था एट 14th June 1812 को। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं,
ही वॉज द ओनली सन ऑफ सारा एने एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग. इनके फादर का भी नेम रॉबर्ट ब्राउनिंग है, आप इसको याद रखेंगे. इनके बेटे को भी ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं, मतलब इनके बेटे का नाम जो है वो भी पेन नेम ब्राउनिंग ही. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हिज फादर वॉज अ वेल पेड क्लर्क फॉर द बैंक ऑफ इंग्लैंड. बैंक ऑफ इंग्लैंड में इनके फादर एक क्लर्क का काम करते थे, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, लगभग 150 पाउंड पर ईयर इन्हें मिलता था इनके फादर को. मतलब एक मॉडरेट फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ज्यादा गरीब नहीं थे. ठीक है, जैसे कि विलियम हैजलेट गरीब थे, ये गरीब नहीं थे. ठीक है, ब्राउनिंग्स पैटर्नल ग्रैंडफादर. इंग्लैंड में जब ब्राउनिंग पैदा हुए थे तो ब्राउनिंग की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब विक्टोरियन इरा में एक प्रचलन था कि लोगों को दास बनाकर रखा जाए, मतलब उनको खरीदारी की जाती थी और पैसों से लोगों को खरीद लिया जाता था अपने पर्सनल कामों के लिए. तो इनके जो पैटर्नल यानी कि ग्रांड बोल सकते हैं कि नाना थे, पैटर्नल ग्रांड फादर थे, जो नाना थे वो दासों को खरीदने का काम करते थे, उनके मालिक थे. मतलब इनके जो फादर थे वो उसके अपोजिशन में रहते थे, याद रखेंगे इन सारी चीजों को. तो ब्राउनिंग्स पैटर्नल ग्रांड फादर वाज अ स्लेव ओनर इन सेंट किट्स वेस्ट इंडीज, बट ब्राउनिंग्स फादर वाज एन अबोलिशनिस्ट. एबोलिशनिस्ट का मतलब है द पर्सन हु हेट ऑफ स्लेवरी, हु हेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. एक ऐसा व्यक्ति जो स्लेवरी की प्रैक्टिस से नफरत करता, मतलब उसका अपोजिशन में हो, उसको हम अबोलिशनिस्ट ऑफ स्लेवरी बोलते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास अगला पॉइंट है सिक्स नंबर का, बाय द एज ऑफ 12 यानी कि 12 साल की उम्र तक ब्राउनिंग हैड रिटन अ बुक ऑफ पोएट्री. यानी कि 12 साल की उम्र में ही इन्होंने पोएट्री का कंपोजिशन स्टार्ट कर दिया था, बट लैक ऑफ पब्लिशर, कोई पब्लिशर नहीं मिला था इनको अच्छा खासा, जिसकी वजह से फिर इन्होंने जो पोएट्री लिखी थी उसको इन्होंने मतलब पब्लिश नहीं कराया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया, क्या कर दिया कोई पता नहीं है, मतलब बाद में हमें मिली नहीं है. ठीक है ना, सो विच ही लेटर डिस्ट्रॉय फॉर वांट ऑफ पब्लिशर. पब्लिशर की कमी के कारण पब्लिशर नहीं मिला था कोई, इसके कारण उसको पब्लिश नहीं किया गया. एंड आफ्टर अटेंडिंग वन और टू प्राइवेट स्कूल्स एंड शोविंग एंड इंसुपरेबल डिसलाइक ऑफ स्कूल्स, ही वाज एजुकेटेड एट होम बाय अ ट्यूटर. इनको स्कूल की यानी कि जहां पर इनको फॉर्मली जो एजुकेशन दी जा रही थी वो इनको पसंद नहीं आई, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और इनकी जो एजुकेशन थी वो घर पर ही प्राइवेट तौर पे एक प्राइवेट ट्यूटर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई. स्पेशली फैक्ट ये कि इनके फादर का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, बिकॉज इस फादर वाज इंटरेस्ट फाउंड ऑफ कीपिंग सो मैनी बुक्स. तो एक बढ़िया सा एक रिसोर्सेज था इनके पास में लाइब्रेरी का खुद का, तो वहीं से इनको सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई थी. ठीक है ना, यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इट्स फादर लाइब्रेरी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में बाई 14 साल की उम्र तक ही वॉज फ्लुएंट इन फ्रेंच. 14 साल की उम्र में इन्होंने फ्रेंच सीख ली, ग्रीक, इटालियन और लैटिन, ये चारों लैंग्वेज वो अच्छे तरीके से पढ़ना सीखना, पढ़ना लिखना और बोलना सीख चुके थे. ही बिकम एन एडमायरर ऑफ द रोमांटिक पोइट्स. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई व्यक्ति रोमांटिक पोइट्स का एडमायरर है, ठीक है ना, तो क्या वो लिबरल होगा, मतलब उदारवादी होगा, तो डेफिनेट सी बात है. रोमांटिक पोइट थे, उन पर इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिस जिस पर भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा था वे सभी लिबरलिज्म से प्रभावित थे. मतलब उनका जो प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि राइट टू पीपल एंड फ्रीडम ऑफ पीपल, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोगों को अपने अधिकार मिलने चाहिए. तो ब्राउनिंग भी रोमांटिक पोइट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, स्पेशली अगर हम बात करें तो पी वी शैली से. शुरुआत में जब आप इनकी पोइट्री को देखेंगे तो इनकी पोइट्री आपको शैलियन टाइप की, शैलियन फॉर्मेट की मिल जाएगी. एंड समहाउ ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस बाय पी वी शैली दैट ही बिकम एन अथिस्ट. वो अपने आप को अथिस्ट मानते थे एंड ही टर्म एज अ वेजिटेरियन. ओके, तो याद रखेंगे ही बिकम एन एडमायर ऑफ द रोमांटिक पोइट स्पेशली पी वी शैली हुम ही फॉलोड इन बिकमिंग एन अथिस्ट एंड अ वेजिटेरियन. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, जब वो 16 ईयर के हो गए, ही स्टडी ग्रीक. उन्होंने ग्रीक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ा, बट फर्स्ट ईयर में ही वहां से लैप कर गए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हिज पेरेंट्स, जैसे कि इंग्लैंड में बहुत सारे फेथ हैं क्रिश्चियनिटी के, तो इनके फादर थे वो एवेंजेलिकल फेथ से ताल्लुक रखते थे. एवेंजेलिकल फेथ का मतलब है द पर्सन हु हैज अ
मोस्ट बिलीव इन द सुपरमेसी ऑफ गॉड, जो व्यक्ति भगवान की सत्ता में बहुत ज्यादा आस्था रखता है, ठीक है ना, उस तरीके की फेथ इनकी फैमिली में था। तो इट प्रिवेंटेड हिम स्टडिंग एट अदर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वहां पर उस समय पर, वहां क्या था, वहां पर केवल वही लोग पढ़ पाते थे जो उस समय पर चर्च ऑफ इंग्लैंड के मेंबर हुआ करते थे, केवल उन्हीं लोगों को वहां पर पढ़ने की परमिशन थी। दैट इज वाई ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड द ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इट मीन्स हिज फादर डिड नॉट अलाउ हिम टू अटेंड कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, ही हैड इनहेरिटेड द सबस्टेंशियल म्यूजिकल एबिलिटी। देखिए जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं या जितने पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वे सभी पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं। जैसे वेयर डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग फाउंड एंड वेयर डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग गेट द एबिलिटी ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन, देन आंसर गोज टू हिज मदर, क्योंकि उनकी मदर एक अच्छी नॉलेज रखती थी म्यूजिक की। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। तो ही हैड इनहेरिटेड सब्सटेंशियल म्यूजिकल एबिलिटी थ्रू हिज मदर, क्वेश्चन आ जाएगा, मदर पे टिक करेंगे। सो ही कंपोज सो मैनी म्यूजिकल अरेंजमेंट फॉर वेरियस सॉन्ग्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ही रिफ्यूज्ड अ फॉर्मल कैरियर। फॉर्मल कैरियर का मतलब है, मतलब होता है पढ़ने लिखने के बाद में कोई जॉब कर लेना, ठीक है ना, पढ़ने के बाद में किसी के यहाँ पे नौकरी कर लेना, किसी सर्विस में पार्टिसिपेट करना, कोई सरकारी जॉब ले लेना, ये होता है हमारा फॉर्मल कैरियर। बट इसके अलावा जैसे कि कोई पढ़ाई करने के बाद में म्यूजिशियन बन जाता है, पढ़ाई करने के बाद में कोई कॉमेडियन बन जाता है, पढ़ाई करने के बाद में कोई ड्रामाटिस्ट बन जाता है, कोई पोइट बन जाता है, ठीक है ना, कोई कुछ करना, मतलब जो फॉर्मल हमारे कैरियर होते हैं उससे अलग जो चीज़ें होती हैं वो इन्होंने यहाँ पर अपनाई, और बाकी का जो फॉर्मल कैरियर था उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसके कारण के जो फादर थे, पेरेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा इनसे खफा हो गए, काफ़ी ज़्यादा इनसे नाराज हुए, बट इन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपने आप को पोइट्री में डिवोट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में, ही स्टेड एट होम अंटिल एज ऑफ 34 साल की उम्र तक ही अपने घर पर रहे। मतलब घर पर रहने का मतलब है कि अपने फादर की अर्निंग पर डिपेंडेंट रहे, अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं था, कोई काम नहीं था, जो फादर कमाते थे उसी से ये गुजारा चलाते थे, ठीक है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑफ हिज फैमिली अंटिल हिज मैरिज, ठीक है, मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी फादर की अर्निंग पर ही काम चलाते थे। एंड आफ्टर ऑल जब उनकी पोएम्स को पब्लिश कराया गया तो उनके फादर ने उसमें मदद की और स्पॉन्सरशिप भी दी थी उनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमने जो अभी डिस्कस किए थे, ये कुछ इनके बोल सकते हैं कि ब्रीफली पॉइंट थे इनकी पर्सनल और इनकी अर्ली लाइफ से संबंधित। अब जो पॉइंट आपके सामने हम आगे लेने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पास पूरा का पूरा नोट है, ये नोट आप लोगों को नोट कर लेना है, जितने भी नोट हैं वे सभी आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहले बात करें उनकी अर्ली पोएम की, तो अर्ली पोएम वाज कम इन 1833, ठीक है। इसके बाद में पेरिसिडस है, इट वाज इन 1835, दो पोएम है जो अर्ली पोएम्स हैं इनकी। एंड दीज पोएम्स वर सो मच एक्लेम्ड, ये पोएम्स तो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी बट इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी कि इनकी आगे वाली एक पोएम थी, उसके कारण इनको ऑब्सक्योरिटी, डिफेम और क्रिटिकल ओपिनियन का सामना करना पड़ा था। तो इनकी जो पोएम थी, इन पोएम्स का असर इनकी आने वाली पोएम के कारण खराब हो गया था, ठीक है ना। 1840 में जो पोएम आई थी सॉरी डेलो, इस पोएम के कारण इनका जो फेम था, इसके कारण जो गेन मिली थी इनको, ये भी इनके किसी काम की नहीं रही। सॉडेलो वाज सीन एज अ विलफुली ऑब्सक्योर एंड टुक ओवर अ डेकेड टू रिकवर बाय विच टाइम ही हैड मूव फ्रॉम शेलियन फॉर्म्स टू अ मोर पर्सनल स्टाइल। हमारे कहने का मतलब ये है कि शुरुआती पोएम थी पॉलिन इन 1833, पेरिसिलस इन 1835, ये पोएम बहुत पॉपुलर रही थी, लोकप्रिय रही, लोगों ने इन्हें एक्लेम भी किया। बट इनकी जो नेक्स्ट पोएम थी 1840 की सर्डेलो, ये पोएम जानबूझकर लोगों ने ऑब्सक्योरिटी का शिकार बना दिया इस पोएम को, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ओपिनियन इनके बारे में दी, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं शेम हुआ और बहुत बुरा फील हुआ। इससे रिकवर होने में इनको लगभग 10 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया। एंड जो ये पहले पोएम लिखी गई थी शेलियन स्टाइल में लिखी गई थी, पी वी शैली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये,
फिर उन्होंने अपनी जो स्टाइल थी वो पर्सनल स्टाइल बना ली, ठीक है ना। इन पोएम को लिखने के बाद में, सोडेलो के बाद में, उन्होंने जो अपनी स्टाइल थी वो पर्सनल स्टाइल में पोएट्री लिखना स्टार्ट किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, आगे इसी पॉइंट को जोड़ रहे हैं, इन 1846 ही मैरिड फिलो पोएट एलिजाबेथ बैरेट। उसके बाद में 1846 में इनकी शादी हो जाती है एंड ही मूव्ड टू इटली, ये इटली चले जाते हैं। एंड इनकी जो वाइफ की डेथ थी लगभग 1861 में हुई, और जब तक इनकी डेथ हुई थी तब तक इन्होंने अपना एक कलेक्शन था मैन एंड वूमेन, 1855 में इसको पब्लिश करा दिया था। 1861 में इनकी वाइफ की डेथ हुई, 55 में इन्होंने अपना ये कलेक्शन करा दिया था। अब जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में आपको कुछ वर्क इनके बताए थे, इसमें पहला वर्क बताया था ड्रामाटिक परसोने, ठीक है ना, ये वर्क बताया था ड्रामाटिक परसोने, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1864। और उसके बाद में बताया था मैंने आपको द रिंग एंड द बुक, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1868 एंड 69। इन दोनों वर्क्स के कारण ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, ठीक है ना। द रिंग एंड द बुक क्या है, एक लॉन्ग ड्रामाटिक नरेटिव पोइम है, इसको हम वर्ष नोवेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ष नोवेल भी इसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पोइम है ये। तो इन दोनों पोइम ने इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। आगे है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1833 यानी कि मार्च 1833 में पॉलेन, जिसका पूरा नाम है पॉलेन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा, इट वॉज पब्लिश्ड एनोनोमियसली बाई साउंडर्स एंड ओटले, इसको साउंडर्स एंड ओटले के द्वारा एनोनोमियसली पब्लिश किया गया था, याद रखेंगे, एनोनोमियसली यानी कि बिना किसी नाम के पब्लिश किया गया था, इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम नहीं दिया गया था, क्लियर, एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑथर, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का खर्चा हुआ था बट नाम नहीं हुआ था। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग हु रिसीव द मनी फ्रॉम द हिज आंट मिसेज सिल्वरथॉर्न, इस पोइम को पब्लिश कराने के लिए जो इन्हें धन मिला था वो अपनी आंट यानी कि इनकी जो मतलब मदर की सिस्टर थी मिसेज सिल्वरथॉर्न, वहां से इनको ये पैसा मिला था। इस पोइम के बारे में बात करें, पोलेन है क्या है, तो इट इज अ लॉन्ग पोइम कंपोज इन होमेज टू द पोएट शेली। जैसा मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया था ना, इनकी जो शुरुआती पोएम थी वो शेलियन स्टाइल में थी, मीन टू से ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस बाय पीवी शेली। तो शुरुआत की दो पोएम थी शेलियन स्टाइल में थी, काफी ज्यादा बेहतरीन थी, लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन सोडेलो नाम का जो दूसरा पोएम था उसके कारण, उसकी ऑब्सक्योरिटी के कारण ये डिफेम हो गए, तो इन्होंने जो शेलियन स्टाइल थी उसको लिखना बंद कर दिया। तो ये जो पोएम थी पोलेन, ये किस में लिखी गई थी, ये शेलियन स्टाइल में लिखी गई थी, याद रखिएगा, एक तरीके से ये श्रद्धांजलि थी पीवी शैली के लिए, पीवी शैली के लिए होमेज का एक तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ओरिजिनली ब्राउनिंग कंसीडर पोलेन एज द फर्स्ट ऑफ सीरीज, रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते थे बट क्योंकि इनकी जो पोइम्स थी बाद में डिफेम होना शुरू हो गई, क्रिटिसाइज होना शुरू हो गई, तो इन्होंने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया कि ये अपनी कोई सीरीज बनाएंगे, अपनी पर्सनल स्टाइल में इन्होंने पोएट्री को शुरू किया और उसके बाद में अपनी एक नई सीरीज शुरू की, ठीक है ना, द बेल एंड पोमेग्रेनेट, उसमें फिर अपने वर्क्स को इन्होंने पब्लिश करना शुरू किया था। चलिए चलिए, अब मैं आपकी कमेंट देखूंगा। मैं देखिए, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ कि सामने किसी को पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से इस डिटेल क्लास में मैं कमेंट थोड़ी सी कम देख पाता हूँ, बट मैं अब देख रहा हूँ। बताइए किसी को कुछ कहना है। चलिए हाँ बिल्कुल, बिना किसी नाम के। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा मुझे बता दीजिएगा, एक मिनट में मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में पढ़ेंगे। गुड, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में एलिन कनिंगम। एलिन कनिंगम प्रेज्ड इट इन द एथेनियम। ध्यान रखेंगे, जिस पोइम की बात हो रही है पोलैंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पोलैंड की बात हो रही है, तो पोलैंड जो पोइम है उसके बारे में एलिन कनिंगम ने काफी ज्यादा प्रशंसा की है एक ब्रिटिश मैगजीन में जिसका नाम है एनिथम, ठीक है ना, ये एक ब्रिटिश मैगजीन है, इसमें इनकी काफी ज्यादा प्रशंसा की गई है, बट ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी,
यानी कि इतना ज्यादा इसका नाम नहीं हो पाया कि इसकी बहुत ज्यादा कॉपी बिक पाए, तो इसको इसकी जो बिक्री थी वो कम हो पाई थी। एंड सम इयर्स लेटर, कुछ साल के बाद में लगभग 1850 में दंते गैब्रियल रस्ती जो कि यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम में इसको पढ़ने के लिए आए, मतलब यहां पर पहुंचे, उन्होंने इसको पढ़ा, तो उसे पढ़ने के बाद में उनके मन में ये सवाल आया कि ये पोएम आके लिखी किसने, तो उन्होंने एक लेटर लिखा रॉबर्ट ब्राउनिंग को। रॉबर्ट ब्राउनिंग उस समय फ्लोरेंस में थे, मतलब इटली में थे, तो दंते गैब्रियल रस्ती ने ये पूछा कि ये पोएम क्या आपने लिखी है, बड़ी अजीब पोएम है। ठीक है, एक है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कमेंट किया है, ही रोड दैट ऑथर सफर्ड फ्रॉम द इंटेंस एंड मॉर्बिड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये छोटी छोटी कमेंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि इनकी जो पॉलिन नाम की पोएम है उस पोएम के रिगार्डिंग किस पोइट ने क्या क्या कमेंट किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है द ऑथर सफर्ड फ्रॉम इंटेंस एंड मॉर्बिड सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब जो राइटर था वो अपनी आत्म चेतना से जूझ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में लेटर ब्राउनिंग वाज रेदर एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी अपने जितनी भी पोएम्स इन्होंने लिखी थी। बाद में इन्होंने क्या किया, ओनली इंक्लूडेड इट इन हिज कलेक्शन पोएम्स ऑफ 1868, किसी दूसरे के यहाँ पे इन्हें पब्लिश करा के इन्होंने अपने कलेक्शन में जिसका नाम था पोएम्स ऑफ 1868 उसमें ही इसको इंक्लूड किया, थोड़ा सा चेंज किया और लोगों से माफी मांगी और ये कहा कि ये मेरी एक बचकानी कोशिश थी जो मैंने अपने अनभिज्ञता में, मतलब नॉन एक्सपीरियंस टाइप से मैंने इस पोएम को लिख दिया था। ठीक है ना, इंटेलिजेंस ऑफ फॉर अ बॉयज वर्क, ये उन्होंने उसमें लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1834, इन 1834 ही अकंपनीड द कैवलियर जॉर्ज डे बैंकोसियन द रशियन काउंसिल जनरल ऑन अ ब्रीफ विजिट टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड बिगेन पेरिकेलस, यानी कि इन्होंने एक रशियन काउंसिल जनरल से मुलाकात की और उसके बाद में काम करना शुरू कर दिया पेरिकेलस पे, विच वाज पब्लिश्ड इन 1835। पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाए कि पेरिकेलस कब पब्लिश किया गया था, देन इट वाज इन 1835। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, द सब्जेक्ट ऑफ द 16th सेंचुरी सेवेंट एंड अल्केमिस्ट, इट वाज प्रोबेबली सजेस्टेड बाई कॉमेट एमडी, ये जितने भी मैंने रेड कलर में नोट कर रखे हैं इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कॉमेट एमडी रिपबार्ट मोरक्लेयर के द्वारा ये जो सब्जेक्ट है 16th सेंचुरी सेवेंट एंड अल्केमिस्ट ये सजेस्ट किया गया था पेरिकेलस के लिए, इसके द्वारा रिपार्ट मोरक्लेयर के द्वारा याद रखेंगे। एंड द सेम ये जो वर्क है इन्हीं को डेडिकेट किया गया था, क्वेश्चन आ जाए कि पेरिकेलस वाज डेडिकेटेड टू होम, तो आंसर होगा हमारा कॉम्टे एमडी डी रिपार्ट मोरक्लेयर, ये इनका नाम है जिनको ये डेडिकेट की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इस पोएम के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, ये हमारा एक मोनोड्रामा है, मोनोड्रामा का मतलब है जिसमें किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं है। एंड इट डील्ड विद द प्रॉब्लम कंफर्टिंग एन इंटेलेक्चुअल ट्राइंग टू फाइंड हिज रोल इन सोसाइटी, इसकी जो थीम है वो ये है कि इसमें एक इंटेलेक्चुअल मतलब कि बुद्धिजीवी, एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी जगह खोजता है सोसाइटी में, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश करता है सोसाइटी में, अटेम्प्ट करता है एक सोशल अपलिफ्टिंग के लिए, ये इसकी थीम है। एंड इट गेन हिम एक्सेस टू द लंदन लिटरेरी वर्ल्ड, ये इनका काफी सक्सेसफुल वर्क रहा था। ठीक है, याद रखेंगे ये पूरा का पूरा जो हमने नोट दिया है ये आपका एक ही वर्क के लिए है। ठीक है ना, पेरिकेलस के लिए है ये पूरा का पूरा नोट, यहां से लेके और यहां तक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये बाद में वीडियो नहीं देखनी पड़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में अगला पॉइंट, इसके बाद में वो मिलते हैं मैकरेडी से, ही मेट मैकरेडी जिन्होंने इनको इनवाइट किया था स्ट्रेट फोर्ड नाम का प्ले लिखने के लिए। ठीक है ना, ही इनवाइटेड हिम टू राइट अ प्ले दैट इज स्ट्रेट फोर्ड, स्ट्रेट फोर्ड लिखा था 1837 में,
एंड वाज परफॉर्म्ड 5 times और लगभग 5 बार इसको परफॉर्म किया गया। स्टेडफोर्ड इज एन 1837 ट्रेजिडी, ठीक है ना, एंड इट पोर्ट्रेज द डाउनफॉल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉर्ड स्टेडफोर्ड। ध्यान रखेंगे स्टेडफोर्ड इज द टाइटल करेक्टर ऑफ द प्ले, यानी कि लॉर्ड स्टेडफोर्ड इज द टाइटल करेक्टर ऑफ स्टेडफोर्ड प्ले। ये क्या है, एक ट्रेजिडी है जिसमें लॉर्ड स्टेडफोर्ड का एग्जीक्यूशन दिखाया गया है। लॉर्ड स्टेडफोर्ड कौन था, ये एक एडवाइजर था चार्ल्स फर्स्ट का, ठीक है ना, ये चार्ल्स फर्स्ट का एडवाइजर था और ये इंग्लिश सिविल वॉर से पहले की घटना होती है जो इसमें बयां की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में अगला पॉइंट, आगे हमारे पास है ईयर 1838 में, 1838 में ये इटली जाते हैं। इटली में ये अपना जो वर्क था सोडेलो, सोडेलो के लिए कुछ बैकग्राउंड खोजते हैं कि ये जो वर्क है इसके लिए मैं थीम कहां से लाऊं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मतलब इसको लिखने की वो तैयारी करते हैं, ठीक है ना। अ लॉन्ग पोएम इन हीरोइक कॉपलेट, सोडेलो क्या है, एक लॉन्ग पोएम है हीरोइक कॉपलेट में इसको लिखा गया है। एंड इट प्रेजेंट द इमेजिनरी बायोग्राफी, ये एक इमेजिनेटिव बायोग्राफी प्रेजेंट करती है माउंटेन वार्ड की, जिसको लिखा गया है, स्पोकन किया गया है दंते के द्वारा डिवाइन कॉमेडिया में, ठीक है ना, डिवाइन कॉमेडिया के कैंटो नंबर 6 के पर्गेटरी में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो याद रखेंगे पूरा का पूरा नोट है यहां तक, इसको समझ लीजिएगा तरीके से, ठीक है ना। बात हो रही है सोडेलो के बारे में, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इट वॉज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हेट एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द गोल्फ गिबेलिन वॉर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके कॉन्फ्लिक्ट के दौरान लिखा गया है, तो गोल्फ गिबेलिन वॉर्स के दरमियान इसको लिखा गया था। एंड दिस वॉज पब्लिश इन 1840, इसको 1840 में पब्लिश कराया गया। एंड मेड विद द वाइड स्प्रेड डेरिशन, लेकिन ये वाला जो प्ले है ये प्ले भी इनका एक तरीके से मजाक बन के रह गया, मतलब इसमें भी इनको कुछ खास ज्यादा सक्सेस नहीं मिला था, याद रखिएगा। एंड गेनिंग हिम केयरलेसनेस एंड ऑब्सक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक है उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो वो सारी चीजें इनके वर्क्स में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, टेनिसन ने इस वर्क के बारे में कहा है कि ही ओनली अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। टेनिसन ने यह कहा है कि मैंने जब इस प्ले को पढ़ा तो मुझे केवल इसकी पहली और आखिरी लाइन ही समझ में आई कि इसमें क्या लिखा है। इसके बाद में एक और कमेंट है, जेन वेल्स कार्लिल, जेन वेल्स कार्लिल है ये कौन है, थॉमस कार्लिल की वाइफ है, ये इनके फ्रेंड थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के, जो इनकी पोएट्री से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने लिखा है कि शी रीड द पोएम थॉरोली एंड कुड नॉट टेल वेदर सोडेलो वाज अ बुक, अ सिटी और अ मैन। मतलब उन्होंने भी इस पे एक चुटकी ली है, कमेंट कर दिया कि मैंने सोडेलो को पूरा पढ़ लिया बट मुझे यही समझ में नहीं आया कि सोडेलो किताब है, इंसान है या कोई शहर है, पता नहीं क्या लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की पॉपुलरिटी के बारे में। इनके गिरते हुए कैरियर के बारे में तो हमने बात कर ली, इनका जो उठता हुआ कैरियर है वो कहाँ से शुरू होता है, इट वॉज अपलिफ्टिंग फ्र�म पब्लिकेशन ऑफ 1841 टू 1846 बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स। ये क्या है, ये इनका सेल्फ पब्लिश्ड सीरीज है एक, जिसमें इन्होंने बहुत सारे वर्क्स, कहने का मतलब है 8 pamphlets में बहुत सारे वर्क्स इसमें शामिल किए हैं। शुरुआती तौर पे ये जो लिखा है वेल्स एंड पोमेग्रेनेट, इसको इन्होंने केवल इसलिए लिखा था, इसलिए स्टार्ट किया था जिससे कि ये इसमें अपने जो प्ले लिखे हैं उन प्लेज को शामिल कर पाए। लेकिन इनके जो पब्लिशर थे, ठीक है ना, इनके जो पब्लिशर थे मॉक्सन ने ये कहा कि तुम इसमें अपनी ड्रामाटिक लिरिक्स भी शामिल कर दो। हालांकि ड्रामाटिक लिरिक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी थी पीरियोडिकल्स में। तो ये इनका सबसे बेहतरीन सीरीज रहा जिसने इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, बेल्स एंड पोमेग्रेनेट। तो आपको ये पढ़ना जरूर है, इसमें जितने ड्रामा हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है ना, जितनी पोएम्स हैं ड्रामाटिक लिरिक हैं वो पढ़नी है आपको। आगे बढ़ते हैं, ब्राउनिंग वाज आइडेंटिफाई एज अ लिबरल, जैसा मैंने बताया ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पीबी शेली एंड पीबी शेली वाज अ रोमांटिक पोएट एंड ऑल द रोमांटिक पोएट वाज इन्फ्लुएंस्ड एज अ लिबरल। तो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एक लिबरल थे, मीन टू से उदारवादी थे,
आजादी पसंद थे, है ना, तो सपोर्टेड द इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, कहने का मतलब महिलाओं की मुक्ति चाहते थे, महिलाओं के बारे में अच्छा सोचते थे, एंड अपोज द स्लेवरी, और दास प्रथा को ये विरोध करते थे। एक्सप्रेसिंग सिंपैथी फॉर द नॉर्थ, नॉर्थ लोगों के लिए अमेरिकन सिविल वॉर में इन्होंने सहानुभूति दिखाई है। लेटर इन लाइफ ही इवन कैंपेन एनिमल राइट्स, ये इतने उदारवादी थे, इतने दयालु थे कि इन्होंने कई बार एनिमल कैंपेन भी चलाया है, मतलब जानवरों के हित के लिए इन्होंने कई बार और एनिमल कैंपेन भी चलाया है। एंड समहाउ सो मैनी इन हिज पोएम ही राइट इन बिहाफ ऑफ एनिमल राइट्स, यानी कि एनिमल राइट्स के प्रति इन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत कुछ लिखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। He was also a stalwart opponent of anti-Semitism. Anti-Semitism का मतलब है यहूदी विरोधीवाद, मतलब ऐसी ऐसी भावनाएं जो यहूदी लोगों के विरोध में उठती हैं, तो यहूदी विरोधी लोगों के प्रति इनका अपोजिशन बिहेवियर था, ऐसे सभी लोगों से नफरत करते थे जो यहूदी विरोधीवाद होते हैं। तो इन चीज़ों से ऐसा पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट ब्राउनिंग यहूदी थे, जो यहूदी लोगों की जो क्रिटिसिज्म थी उसको नहीं सुन सकते थे, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे जब कोई यहूदी विरोधी बात करता था, ठीक है। इन 1817 ही रोट अ पोएम एक्सप्लेनिंग, इसी पक्ष में, यानी कि वो एक बोल सकते हैं नॉन एंटी सेमिटिज्म है, इसी विरोध में उन्होंने एक पोएम लिख दी है जिसका टाइटल है वाई आई एम अ लिबरल, कि मैं लिबरल क्यों हूँ। उसमें इनकी कुछ फेमस लाइन है जो उन्होंने लिखा है कि हु देन डेयर्स होल्ड, ऐसा कौन होगा तो इतने दृढ़ इरादे से खड़ा रहेगा, एमेंसिपेशन दस, एमेंसिपेशन का मतलब है जिसको मुक्ति चाहिए वो खड़ा रहेगा, है ना। हिज फेलो शैल कंटिन्यू ऑन, मेरे जो फेलो होंगे मतलब मेरे जो भाई बंधु होंगे वो गुलामी झेल सकते हैं बट मैं नहीं झेल सकता, ठीक है, नॉट आई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास में इनके रिलीजियस बिलीफ्स, इनका धार्मिक विश्वास क्या था। तो धार्मिक विश्वास की बात करें तो ब्राउनिंग वाज रेज्ड इन एन एवेंजिकल नॉन कन्फॉर्मिस्ट हाउसहोल्ड, मतलब एक ऐसी फैमिली में भरोसा रखते थे जो धार्मिक थी, एंड द फैमिली हैज अ सुप्रीम फेथ इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब भगवान की सत्ता में असीम विश्वास रखने वाली फैमिली से ये ताल्लुक रखते थे। बट इनका जो फेथ था वो अलग तरीके का था, वो क्या था। However, after his reading of Shelley, जब इन्होंने शैली को डिस्कस किया, शैली को पढ़ा, he said to be half briefly become an atheist, तो लोग इनको atheist बोलने लगे थे, ठीक है। Browning is also said to have made an uncharacteristic admission. Browning ने जब लॉर्ड बैरन की पोएट्री को पढ़ा तो उसको ये कहा कि लॉर्ड बैरन की जो पोएट्री है वो क्रिश्चियन है। तो इनके एक फ्रेंड थे अल्फ्रेड डोमेट, ठीक है ना, अल्फ्रेड डोमेट फ्रेंड थे, उनसे इनके विचार काफी ज्यादा मिले जुले नजर आए। इसके बाद में इन्होंने कुछ पोएम्स लिख दी, क्रिसमस ईव, और एक पोएम थी इनकी ईस्टर डे, इसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि इन्होंने लॉर्ड बैरन की पोएट्री को क्रिश्चियन कहा है, तो ये फेथ इनकी पोएट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा कि लॉर्ड बैरन की पोएट्री को इन्होंने क्रिसमस क्रिश्चियन क्यों कहा है। ब्राउनिंग बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म टू बी फ्रॉड, ये पॉइंट नोट करिएगा, ब्राउनिंग स्पिरिचुअलिज्म मतलब जो आध्यात्म है, आत्मावाद जो है, उसको ये फ्रॉड मानते हैं। उसका रीजन क्या है, एक राइटर हुआ करते थे जिसका नाम था डेनियल डगलस होम्स, ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते थे। एक वाक्या ऐसा होता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग और उनकी वाइफ उनकी एक सभा में विजिट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो एक ढकोसला बनाकर उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, एक मटेरियलिस्टिक वे में एक स्पिरिट टाइप का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, और जो होम है वो ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिट है जो इस आदमी के ऊपर सवार हुई है ये कोई और नहीं, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेटा है जो कि इन्फेंसी में मर गया था। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज ओनली वन सन, रॉबर्ट ब्राउनिंग का कोई भी बेटा इन्फेंसी में नहीं मरा था, मतलब जैसे विलियम शेक्सपियर या अदर जो राइटर हैं उनके बेटा या बेटी इन्फेंसी में डेथ हो जाती थी उनकी, ऐसा रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ में नहीं हुआ। तो जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि ये तुम्हारे उस बेटे की आत्मा है जो इन्फेंसी में मर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको फ्रॉड का ठप्पा दे देंगे।
तो ब्राउनिंग ने भी मटेरियलिज्म को बोल दिया कि मटेरियलिज्म सॉरी स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, कि फ्रॉड होता है, ठीक है ना। एंड प्रूव्ड बोनहोफ डेनियल डगलस होम्स मोस्ट एकेडमिक क्रिटिक्स, और डेनियल डगलस के एक बहुत ही आक्रमणकारी क्रिटिक के तौर पे ये प्रेजेंट हो गए, ठीक है। मैंने ये बता दिया है, ये पूरा जो लिखा हुआ है मैंने आपको हिंदी में बता दिया। 23 जुलाई 1855 को ये इनकी एक सभा में शामिल होते हैं जहां पर ये पूरा वाकया घटित होता है। आगे चलते हैं, तो उसके बाद में ब्राउनिंग ने एक कमेंट लिखा है, ब्राउनिंग रोट एन एंग्री लेटर टू द टाइम्स, उन्होंने टाइम्स को एक लेटर लिखा, उसमें बताया कि द होल डिस्प्ले ऑफ हैंड्स स्प्रिट उट्रेंस ईटीसी वाज अ चीट एंड इंपोस्टर, के जो भी चीजें वहां पर होम ने हमें दिखाई थी वे सब एक ठगी का जाल था, सिर्फ एक धोखा था और कुछ नहीं, केवल फ्रॉड था। कुछ सालों के बाद में 1902 में रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो बेटा है, ठीक है ना, पेन, उसने लिखा है होम वाज डिटेक्टेड इन अ वल्गर फ्रॉड, के होम को एक फ्रॉड में पकड़ लिया गया है। और वो फ्रॉड क्या था, वही था स्पिरिचुअलिज्म वाला, आत्माओं की बात करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, इसके चक्कर में डगलस होम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड ही वाज जस्ट प्रूव्ड एज अ फ्रॉड। तो यहां पर ये बात प्रूव होती है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पिरिचुअलिज्म को फ्रॉड बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग आत्मा नाम की चीज कोई होती नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर, आगे पॉइंट हमारे पास फ्लोरेंस की बात करेंगे। इन फ्लोरेंस प्रोबेबली फ्रॉम अर्ली इन 1853, 1853 से स्टार्ट किया उन्होंने। एंड द पोइम्स दैट इवेंचुअली कंप्राइज टू वॉल्यूम्स मैन एंड वुमेन फॉर वी इज नाउ वेल नोन एल्दो इन 1855, 1855 में इसको पब्लिश किया गया। एंड देवर पब्लिश्ड दे मेड द रिलेटिवली लिटिल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन 1861 एलिजाबेथ डेड इन फ्लोरेंस, 1861 में इनकी जो वाइफ थी एलिजाबेथ उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर देखिए चीजें तो बहुत सारी हो सकती थी, बट मैंने बहुत ही ब्रीफ पॉइंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है जिससे कि बहुत बड़ी रामायण नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सारा लिखेंगे तो आप उसको लर्न भी नहीं कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको पॉइंट वाइज कर दिया है जिससे आप इसको आसानी से लर्न कर पाए, है ना, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग आपके बहुत ही इंपोर्टेंट राइटर हैं, इनसे संबंधित आपको हर चीज लर्न करनी है और बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है, तो इनको पॉइंट वाइज आप करोगे तो बड़ी आसानी से लर्न कर लोगे। बात करें 1868 की, 1868 में 5 साल काम करने के बाद में, मतलब 5 साल इन्होंने एक वर्क पे काम किया एंड जिसका नाम है लॉन्ग ब्लैंक वर्स दैट इज द रिंग एंड द बुक, ठीक है, द रिंग एंड द बुक। ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वोल्यूटेड मर्डर केस फ्रॉम 1969 रोम एंड द पोएम कंपोज ऑफ 12 बुक, टोटल पोएम में 12 बुक हैं। और बात करें तो 10 लेंथी ड्रामाटिक मोनोलॉग्स इसमें शामिल हैं एंड इट इज नरेटेड बाई वेरियस करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर इसमें नरेट करते हैं स्टोरीज को, उस तरीके से जिस तरीके से चौसर का कैंटरबरी टेल्स है उस तरीके से, ठीक है ना। और इस कहानी की जो एंडिंग होती है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग हिमसेल्फ, इसमें इंट्रोडक्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग देते हैं और कंक्लूजन भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा होती है। बीच में इसमें बहुत सारे करेक्टर अपनी अपनी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, ये नोट कर लेना है। तो यहां से लेके यहां तक ये हमारा एक वर्क के बारे में, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन है द रिंग एंड द बुक हैज बीन कॉल्ड अ टूर, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि विच वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कॉल्ड अ टूर डी फोर्स ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री, तो आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, इट वॉज पब्लिश्ड इन फोर पार्ट्स, इसको चार पार्ट्स में पब्लिश किया गया था 1868 से फरवरी 1869 तक, इसको फोर पार्ट्स में पब्लिश किया गया था। तो याद रखेंगे द रिंग एंड द बुक हैज बीन कॉल्ड अ टूर डी फोर्स ऑफ द ड्रामेटिक पोएट्री, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट है द रॉबर्ट ब्राउनिंग सोसाइटी, क्वेश्चन आ जाए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग सोसाइटी को कब फाउंड किया गया था, देन इट वाज फॉर्मड इन 1881, इसको 1881 में फॉर्म किया गया था, ओके। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास में
इन अर्ली 1817 1870 में बेलेस्टन्स एडवेंचर एंड रेड कॉटन नाइट कैप कंट्री, ये दो वर्क हैं इनके, ये पब्लिश किए गए थे। डेट को याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है, बट आप लोग इसको बार बार पढ़ोगे तो ये लर्न हो जाएगा। 1887 में ब्राउनिंग प्रोड्यूस द मेजर वर्क ऑफ हिज लेटर ईयर्स, जिसमें है पैरेलिंग विद सर्टेन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंट इन देयर डे, ये पूरा का पूरा एक वर्क है इनका जो इन्होंने 1887 में पब्लिश किया था। नेक्स्ट है लास्ट वॉल्यूम, अगर हम बात करें इनका लास्ट वॉल्यूम लिरिक क्या है तो एस लोंडो, ठीक है ना, 1889 इट वॉज पब्लिश्ड इन द सेम डे वेन रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज डेड, यानी कि 12 दिसंबर 1889 को जिस दिन रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ हुई थी उसी दिन आपका ये वर्क पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि विच वॉज द वर्क पब्लिश द सेम डे ऑन द डेथ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, आंसर गोज टू एस लोंडो, ठीक है याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं ब्राउनिंग डेड एट द समसोम, ठीक है ना, ये अपने बेटे के घर पे वेनिस में इनकी डेथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमारे पास सामने, ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर, जैसा कि शुरुआत में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर वेस्ट मिनिस्टर अबे, एंड ही हिज ग्रेव नाउ लाइज इमीडिएटली एडजेस्ट टू दैट ऑफ अल्फ्रेड टेनिशन, अब इनकी जो ग्रेव यार्ड है वो जस्ट अल्फ्रेड टेनिशन के बगल में है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ ब्राउनिंग वॉज अवार्डेड सो मैनी डिस्टिंक्शन, इनको कई सारी विशेषताओं से नवाजा गया था, जिसमें पहला है आपका LLD ऑफ एडिनबर्ग और लाइफ गवर्नर ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, इनको कुछ समय के लिए प्रपोज किया गया था लॉर्ड रेक्टरशिप ऑफ ग्लासगो की, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास में, अगर हम आज की बात करें तो हमें अब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क पढ़ने हैं जिनमें इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपके, ठीक है, ये है चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, इसके बाद है फ्रा लिप्पो लिप्पी, ठीक है ना, एंड्रिया डेल सार्टो, और है आपका माई लास्ट डचेस, ये वाला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, सभी लोगों ने पढ़ा होगा मुझे पता है। एंड इज मोस्ट पॉपुलर पोएम्स जो आपको पढ़नी है उसमें है पॉरीफोरियाज लवर, ये वही कहानी है जिसमें इसका जो लवर होता है एक लड़की का, वो वेट करते करते बहुत परेशान हो जाता है, जब वो लड़की लेट आती है तो उसका उसके ही बालों से रस्सी बना के गला घोंट के मार देता है ना, ये वही वाली पोएम है। तो हाउ दे ब्रॉट द गुड न्यूज फ्रॉम गेंट टू एस्क, ये एक और पोइम है इनकी, द डिप्टिच मीटिंग एट नाइट, ये एक और पोइम है, एंड द पेट्रेटिक होम थॉट्स फ्रॉम द एब्रॉड, ये एक और पोइम है, एंड द चिल्ड्रंस पोइम, ये है आपकी द पाइड पायर ऑफ हेलमेन, ये एक चिल्ड्रन पोइम है। तो इतने वर्क आप लोगों को पढ़ने हैं, डेफिनेटली पढ़ने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहे कैसे भी पढ़िए आपको ये वर्क पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें क्या होता है, किसकी थीम क्या है, और हम बात करें ही इज पॉपुलर आल्सो फॉर सर्टेन फेमस लाइन, ये लाइन है आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, ये बहुत ही फेमस लाइन है रब्बी बेन एजरा नाम की इनकी जो पोएम है उसकी। इस पोएम में ये पोइट क्या सजेस्ट करता है अपने विजिटर्स को, अपनी ऑडियंस को, ये बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको उसमें मैंने पूछा था, तो रब्बी बेन एजरा में ये अपनी ऑडियंस से कहता है ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, आप लोग भी मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, ये लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अ मेंस रीच शुड एक्सीड हिज ग्रास्प एंड लेस इज मोर, ये लाइन है आपकी एंड्रिया डेल सार्टो से। एंड एक लाइन और भी है, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, द पेट्रियट एंड गॉड्स इन हेवन All's right with the world, ये लाइनें हैं पिप्पा पासिस की। तो मैंने आपको सात लाइनें बताई हैं, ये सात लाइनें आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मे बी के ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतने कम लोग हैं फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैंने सोच रखा था कि ये राइटर मैं तीन दिन से कवर कराने की कोशिश कर रहा था, बट ये कभी लाइट नहीं आती थी, कभी नेटवर्क नहीं आता था, तो मैं आज इसको कवर करा के ही मानूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट करा के ही मैं दम लूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर सभी लोग वैसे आते तो लगभग हमारे पास 180 कैंडिडेट हैं, 180 कैंडिडेट यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए थे,
बट यहाँ पे कैंडिडेट केवल कितने 27 कैंडिडेट हैं। चलिए तो अब देखिए ये कुछ वर्क हैं, तो ये आगे ये जो दिए गए, अब यहां से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ये वर्क आप लोगों को इंटरनेट पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, मतलब वर्क की लिस्ट मिल जाएगी लेकिन ये जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने क्या है बायोग्राफी पकड़ा दी है, ये तो हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहां से हमारी प्लेज की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। पहला प्ले डिस्कस करा देता हूँ थोड़ा सा। अ ब्लॉट इन द स्ट्रक्चर, ये इनका एक प्ले है। अ ब्लॉट इन द स्ट्रक्चर इज अ ट्रेजेडी, ये क्या है ट्रेजेडी है। इन अ ब्लैंक वर्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1843, 1843 में पब्लिश किया गया था एंड एक्टेड इन द सेम ईयर, और उसी साल इसको एक्ट भी किया गया था। मैं आज की क्लास को यहीं पे छोड़ूंगा, बाकी की क्लास आपकी नेक्स्ट डे कराएंगे। बोलते बोलते थकावट हो जाती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना पड़ता है ना। चलिए तो अब हम मिलेंगे कल, मे बी के शाम को क्लास हो जाए, बट जब कैंडिडेट आज ही इतने कम है तो शाम को तो एक भी नहीं आएगा मुझे मालूम है, ठीक है।